तो आज की जो रेसिपी है वो है हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है मूंग की दाल, जिसको कि मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और इसको मिक्सर जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लिया। अब इस घोल में मैंने डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक। आपके पास अगर कोई सब्जी है तो आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से फेंट लिया था और एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तिल। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने मूंग दाल के घोल को डाल दिया था और अच्छा से फैला दिया इसके ऊपर। ये रेसिपी एकदम इंस्टेंट वाली है, इसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ढककर मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया था। जब ये एक साइड से पक गया तो मैंने पलटकर 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लिया है। और ये रही हमारी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान है।